नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाउ टू बेसिक में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे Facebook के टॉप 10 टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। ये टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर कोई चाहता है कि अपने Facebook प्रोफाइल एक स्मार्ट दिखे। Facebook प्रोफाइल जब कोई लॉगिन करे तो यहाँ म्यूजिक दिखे या फॉलोअर्स का ऑप्शन आए। इसके अलावा मैसेंजर में अपना रूम कैसे क्रिएट करें, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इन सभी ट्रिक्स को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि वीडियो में अपने फॉलोवर्स का ऑप्शन कैसे आए। तो इसके लिए आपको सिंपली 3 लाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे देखोगे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे आओगे तो प्राइवेसी सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। प्राइवेसी सेटिंग में आप देखोगे यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन आ रखा है, आपको देखना है वो कैन सेंड यू ए फ्रेंड रिक्वेस्ट। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बहुत लोगों ने एवरीवन कर रखा है, इसमें आपको रखना है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। फिर से अपने सेटिंग पे क्लिक करोगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में पोस्ट का एक ऑप्शन आएगा, पब्लिक पोस्ट। तो इसमें आपको ये तीनों पब्लिक रखना है, इसको भी पब्लिक रखना है, फॉलोअर्स को पब्लिक रखना है, और पब्लिक पोस्ट कमेंट है इसको भी पब्लिक रखना है, और इसको भी पब्लिक, जो सारे हैं उसको पब्लिक रखना है। उसके बाद में बैक आना। पीछे आने के बाद में अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में एडिट प्रोफाइल पे जाना है। सिंपली यहाँ डिटेल्स का ऑप्शन आएगा तो यहाँ से एडिट करना है। तो यहाँ नीचे देखो फॉलोअर्स का ऑप्शन आ रखा है, अगर आपके फॉलोअर्स को हाइड करना है तो इसको यहाँ से सिंपली राइट क्लिक को हटा देना है और सेव कर देना है, तो यहाँ से हट जाएंगे। और इसको वापस लाना है तो सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद में डिटेल्स आया है इसमें, तो इसमें अगर आपको डिटेल्स पहले से है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। कोई भी डिटेल्स नहीं डाल रखी आपने तो उसमें ऐड करना होगा, यहाँ से ऐड करना। ऐड करने के बाद में सिंपली इस पर राइट क्लिक करके सेव कर देना, तो इससे आप आसानी से अपने फॉलोवर्स को देख सकते हो। और जो आपके फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स हैं उनके लिए तो आपको ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आएगा, और जो आपके लिए नए लोग हैं जो को आपको जानते तक नहीं है वो डायरेक्टली आपको फॉलो कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ये है। चलो दूसरे ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। आपने बहुत से लोगों की प्रोफाइल पिक्चर देखी होगी, उसमें क्या आता है, यहाँ नीचे म्यूजिक का ऑप्शन आता है, तो आप भी वो म्यूजिक का ऑप्शन लगा सकते हो। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, नीचे एक कोई भी पोस्ट डालते हो तो यहाँ पे नीचे एक म्यूजिक का ऑप्शन आ रखा है, क्या म्यूजिक पे क्लिक करना है, अपना कोई भी म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी जैसे कोई भी फेमस XYZ आपको जो भी ये वाले म्यूजिक है तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये यहाँ से सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो चुका है। अभी आपको अगर इसको लगाना है, जैसे ये लिबास वाला सॉन्ग है इसको लगाना है अपने प्रोफाइल पे, तो पिन टू प्रोफाइल कर देना, ये सॉन्ग दिखा रहा है तो आप देख सकते हो, ये थोड़ा अच्छा लुक लगेगा, कोई भी देखेगा आपकी प्रोफाइल को। वापस बैक आना है, अगर आपको इसको वापस हटाना है यहाँ से सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना, अनपिन प्रोफाइल कर देना, ये हट जाएगा। देखो अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। देखें लोग अपने अवतार बना के रखते हैं फेसबुक पे, आप भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, सी यहाँ पे देखो ये सी मोर का ऑप्शन आएगा एक, इस पर क्लिक करना है। अवतार का ऑप्शन आएगा एक, बहुत लोगों के फ़ोन में अगर अपडेट नहीं है तो अवतार का ऑप्शन नहीं आएगा, जिसका अपडेट है फेसबुक उसमें अवतार का आएगा, जिसका नहीं है वो अपडेट कर लें उसके बाद में अवतार का ऑप्शन आएगा। इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो ये देखो अवतार आ गए। इसमें आप इसमें कुछ भी एडिट करना हो, करना हो या अपने खुद के अवतार बना सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फेसबुक ने जो हमें दिया है। इसके अलावा इसी में एक गेमिंग का भी ऑप्शन आता है, तो जो भी भाई गेम खेलना चाहते हो आपको इसके लिए अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, सिंपली इसी 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे गेमिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे गेम हैं जिसके वीडियो भी आप देख सकते हो, कम्युनिटी है, प्ले है, ये सब कुछ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आप गेम अपना जो भी आप पसंद करते हो अपना गेम खेल सकते हो। इसके अलावा मैसेंजर के अंदर पहले क्या लोग जूम का यूज़ करते थे या कोई अलग से अपना जो भी है वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करते थे, अभी एक ये फेसबुक में ऐसा ऑप्शन आया है जिसमें एक रूम क्रिएट करके आप 50 लोग एक साथ में बात कर सकते हो, 50 अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर हो सकते हैं, स्कूल के, कॉलेज के, सारे यहाँ से इसमें लिंक करके
को आप आसानी से कर सकते हो। देख इसके अलावा एक सबसे बेस्ट ऑप्शन फेसबुक में दिया है, अगर आप एक्सपायर हो गए या आप चले गए, आप नहीं रहे, तो आपका फेसबुक अकाउंट आप किसी को देना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो वो भी इसमें ऑप्शन है। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाओगे तो इसमें सेटिंग है, सेटिंग में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्लिक करना। उसके बाद में मैनेज अकाउंट में जाना, मैनेज अकाउंट में जाने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे लेगेसी कॉन्टेक्ट, इसमें आप किसी का भी अपना फ्रेंड का या फैमिली मेम्बर का यहाँ से डाटा डाल सकते हो। इसमें देखो डिलीट अकाउंट आफ्टर डेथ इफ़ यू डोंट वांट योर फेसबुक अकाउंट टू बी मेमोराइज्ड आफ्टर यू पास अवे यू कैन रिक्वेस्ट अवे, तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, डीएक्टिवेट भी कर सकते हो अगर आप यहाँ से पास अवे हो गए। तो वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फेसबुक की ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है तो लोगों तक पहुँचाएँ। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे।